शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में सेवानिवृत्त शिक्षिका सुनीता गुप्ता का अभिनंदन सा विदाई समारोह आयोजित की गई, जहां इन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, JSPTA के प्रदेश संयुक्त सचिव मदन कुमार रतन, संगठन सचिव मुकेश कुमार, जिलाध्यक्ष तनुप्रिया, प्रधान सचिव राजेश कुमार, महेंद्र कुमार, घनश्याम वर्मा उपस्थित हुए और अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि सुनीता गुप्ता इस विद्यालय में लगातार 16 वर्षों तक कार्य करते हुए 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवा से निवृत्त हो रही हैं। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से एवं झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की ओर से उन्हें अभिनंदन सा विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित करते हुए अभिनंदन किया गया और उन्हें सेवा से विदाई की गई। यह अपने कार्य कुशलता, अनुशासन, पठन पाठन एवं कार्य के प्रति करते कर्तव्य निष्ठा के लिए सदैव याद रहेंगे और आशा करते हैं कि वह विद्यालय के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए छात्र हित में सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी विद्यालय में बच्चों को पठन पाठन में अपेक्षित सहयोग करेंगे। थाना प्रभारी ने कहा कि सुनीता गुप्ता जी इस विद्यालय में सेवा देकर उल्लेखनीय कार्य किया है। छात्र छात्राओं के प्रति उनका लगाव सराहनीय, प्रशंसनीय है। सुनीता गुप्ता ने बताया कि विद्यालय काम करने का अवसर मिला, सभी का सहयोग प्राप्त हुआ। शिक्षक शिक्षिका को कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। शिक्षक को छात्र हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षिका माया मरियम हंसदा ने उनके सम्मान में विदाई गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका तनुप्रिया, माया मरियम हंसदा, पूनम कुमारी, प्रमोद कुमार वर्मा, घनश्याम वर्मा, पचम्बा मिशन के फादर सनी दास, स्नेह प्रिया, महेंद्र कुमार, मनोज कुमार लाल, पूर्णिमा कुमारी, ब्रजेश कुमार राजवर्धन, SMC अध्यक्ष सरिता देवी, प्रमोद पांडे, मोहन मंडल, मनोज कुमार लाल, शीला ग्रवियल, अंजू सिंह, कश्यप, बबीता भारती, रूपा श्रीमौली, पूर्व प्रधानाध्यापिका जयंती के स्कूल, थॉमस हांसदास सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं, बाल संसद, इको क्लब के सदस्य उपस्थित थे। यह एक अभिनंदन समारोह है, क्योंकि हम सेवा में हैं, तो 60 वर्ष जिस दिन मेरा पूरा होगा, हम सरकार की ओर से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार का यह नियम है, इसको हम लोग बदल भी नहीं सकते हैं। इन्होंने अधिक समय, इनका कार्यकाल का अधिक समय मेरे साथ बीता है। निश्चित ये बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, देखने में बहुत कठोर है, मैंने जो अनुभव किया, लेकिन दिल की बहुत सरल है। आज विद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा श्रेय है। शायद दूसरे शिक्षक साथी हमारे अनुभव कर रहे हों या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इस चीज़ का अनुभव किया कि इन्होंने विद्यालय को आगे बढ़ाने में, हमको इस स्तर तक पहुंचाने में इनका योगदान है।